इस क्वेश्चन को देखिए, cos x माइनस वाई प्लस cos y माइनस जेड प्लस cos z माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3/2। प्रूफ क्या करना है, cos x प्लस cos y प्लस cos z इक्वल टू sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल टू 0। हमें इसमें एक कंडीशन गिवन है, उसकी हेल्प से इसको मैं प्रूफ कर दूँ। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ कंडीशन दे है, और जो प्रूफ है उसको गिवन मान के जो कंडीशन गिवन है उसको प्रूफ कर दो, दोनों के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने का तरीका सेम होता है, मतलब दोनों ही तरीके सही है। क्या बताया हमने, जो हमारे पास गिवन है उसको लेकर प्रूफ कर दीजिए, और जो प्रूफ है उसको लेकर गिवन कंडीशन ले आओ, तो दोनों ही तरीके सही है, दोनों मेथड सही है, और दोनों के अकॉर्डिंग जो भी आप प्रूफ करोगे वो आपका एकदम राइट होगा, उसको कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखिए, हमारे पास गिवन क्या है, cos x माइनस वाई प्लस cos y माइनस जेड प्लस cos z माइनस एक्स इक्वल टू माइनस। यहां पर इसका फॉर्मूला हम तीनों का अप्लाई करेंगे, तो cos x माइनस वाई cos x into cos y plus sin x into sin y plus cos y into cos z plus sin y into sin z plus cos z into cos x प्लस साइन जेड इंटू साइन इक्वल टू माइनस 3। अब जो इक्वल टू में माइनस 3/2 है तो अपॉन का डिवीजन ले आओ, तो 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन प्लस 2 cos y into cos z plus 2 sin y into sin z plus 2 cos z into cos x plus 2 sin z into sin x equal to minus 3 को साइड आउट तो प्लस 3 हो जाए, यही कर देते हैं प्लस 3। हमने क्या किया, अपॉन में जो 2 है वो इधर इनटू में लेगा, जो इक्वल टू माइनस 3 है वो साइड लाए तो प्लस 3। अब जो प्लस 3 है उसको 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो एक काम करेंगे जैसा वैसा लिख रहे हैं, cos x इनटू cos y प्लस 2 sin x इंटू साइन वाई प्लस 2 cos y इंटू cos z प्लस 2 sin y इंटू साइन z और प्लस 2 cos z इंटू cos x और प्लस 2 sin z इंटू साइन और प्लस 3 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 और एक 1 को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होगा ना, इतना 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ये भी 1 होगा प्लस साइन स्क्वायर जेड इंटू सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर जेड, ये भी 1 ही। तो जो हमारे पास प्लस 3 था उस प्लस 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो एक 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे 1 को साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई और तीसरे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड। अब इसमें जितने भी पूरे फॉर्मेट में साइन वाले टर्म वो एक साथ ले लो, तो साइन स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर वाई और प्लस साइन स्क्वायर जेड और प्लस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस टू साइन वाई इंटू साइन जेड और प्लस टू साइन जेड इंटू साइन एक्स और फिर प्लस कॉस वाले सारे एक साथ लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई और प्लस कॉस स्क्वायर जेड प्लस टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस टू कॉस वाई इंटू कॉस जेड प्लस टू कॉस जेड इंटू कॉस एक्स इक्वल टू समझ में आ गया। अब स्टार्टिंग के एक पूरा टर्म देखो साइन वाला, साइन वाले पर फोकस करो, वो क्या किसी का फॉर्मूला है बताइए, जो साइन वाला है उस पर ध्यान दीजिए। तो देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इधर लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस साइन वाई और प्लस साइन जेड का होल स्क्वायर और ए भी वही फॉर्मूला एक कॉस की फॉर्म में होगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड होल स्क्वायर। अब इधर पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब दो टर्म के स्क्वायर का सम जीरो होता है, इफ इसे हम बॉक्स में इफ दो वेरिएबल तीन वेरिएबल चार वेरिएबल दस वेरिएबल एक हजार वेरिएबल जितने भी वेरिएबल हो जितनी भी क्वांटिटी है यानी उन सभी क्वांटिटी के स्क्वायर का सम जीरो होता है। स्क्वायर का सम जीरो होता है मतलब वो सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, स्क्वायर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा अब दूसरी कंडीशन, जब स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू में जीरो कंडीशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इधर पर ए और बी की वैल्यू क्या पुट करें जिससे जीरो के इक्वल आ जाए। तो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है ना। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू जीरो और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और प्लस कॉस जेड इक्वल टू जीरो। इट मीन्स पहली कंडीशन प्रूफ हो गई है, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और प्लस कॉस जेड इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया। तो ए वाला क्वेश्चन ने किस तरीके से सॉल्व किया है, कंडीशन क्लियर समझ में आ गई, एक बार इस क्वेश्चन को समझने के बाद उससे प्रैक्टिस कर लें। ओके okay?